नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, स्टर्लिंग्स एंड विल्सन के क्वार्टर फोर के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर, सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। देखिए, नंबर करोड़ में है तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो इस बार 88.43 करोड़ रुपीज़ रहे, जो पिछले क्वार्टर में 406 करोड़ थे और एक साल पहले ये 1071 करोड़ थे। तो ये तो बहुत भयंकर गिरावट है दोस्तों। अदर इनकम देखेंगे तो लॉस मेकिंग रहे, जो पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो 10 करोड़ से ज़्यादा थे और एक साल पहले 23 करोड़ से भी ज़्यादा थे। और जब इन सबको जोड़ेंगे तो जो टोटल इनकम है दोस्तों वो 86.36 करोड़ आती है, जो पिछले क्वार्टर में 417.65 करोड़ थी और एक साल पहले 1094 करोड़ थी। ठीक है दोस्तों, तो ये रही टोटल इनकम। मुझे ये लग रहा है कि ये एक बहुत भयंकर गिरावट के दौर पर कल शायद गुजरने वाला है। बात करें एक्सपेंसेस यानी खर्चों की, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स 8 करोड़ के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में 151 करोड़ से ज़्यादा थी। चेंज इन्वेंट्री में देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट देखेंगे 354 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 288 करोड़ था। और यानी आप देखें, आपने धंधा तो कुछ किया नहीं है, आपके खर्चे बढ़े हुए हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस सीधा सीधा 60 करोड़ के आसपास, जो पिछली बार 37.91 करोड़ थी। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ये 3 करोड़ के आसपास के हैं। अदर एक्सपेंसेस देखेंगे 17 करोड़ के रहे, जो पिछले क्वार्टर में पॉजिटिव अप्रॉक्सीमेटली 31 करोड़ थे। और जब इन सबको एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे तो जो टोटल एक्सपेंस दोस्तों वो आएगा 503 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में 512 करोड़ थे। और लॉस बिफोर टैक्स देखेंगे तो वह बढ़ के 417 करोड़ हो गए दोस्तों, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बहुत बहुत बड़ा झटका है ये निवेशकों को दोस्तों। और नीचे करेंगे तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों, तो आप पाएंगे यहाँ पे नेगेटिव 455 करोड़ के रहे, जो पिछले क्वार्टर में 122 करोड़ थे, एक साल पहले 157 करोड़ थे। यानी ये ह्यूज लॉस है दोस्तों, ह्यूज लॉस। और कंपनी के रिजल्ट कल स्टॉक को लगता है मुझे एक बहुत भयंकर गिरावट के तौर से गुजरेंगे दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्टूडियो का अंत है। जय हिंद।